नमस्कार, आप हैं द खबरदार .com के साथ। पिछले 24 घंटों के दौरान 909 नए मामले सामने आए हैं और 34 लोगों की मौत। संक्रमितों की कुल संख्या 8,356 तक पहुंची। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और ICMR ने रविवार को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि अब तक देश में कुल 8,356 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 909 नए मामले सामने आए हैं और इसकी वजह से 34 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि 29 मार्च तक हमारे सामने 979 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, लेकिन अब पॉजिटिव मामलों की संख्या 8,356 तक पहुँच गई है, जहां उन्होंने बताया कि इनमें से 20% मरीजों को अभी ICU की जरूरत है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आज 1,671 मरीजों को ऑक्सीजन सहायता और महत्वपूर्ण देखभाल एवं उपचार की आवश्यकता है। 40 से ज़्यादा वैक्सीनों को तैयार करने का काम हुआ जारी। वहीं ICMR की तरफ से डॉक्टर मनोज मुरहेकर ने यह बताया कि 40 से अधिक वैक्सीनों को तैयार करने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी अगले चरण में नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कोरोना वायरस के लिए किसी भी प्रकार की वैक्सीन नहीं है। 15,747 नमूनों में से अब तक औसतन प्रतिदिन 5,084 नमूने हुए पॉजिटिव। ICMR के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक 1,86,906 नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से 7,953 नमूनों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जहां उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों में औसतन प्रतिदिन 15,747 नमूनों का परीक्षण किया गया और उनमें से 584 नमूने प्रतिदिन पॉजिटिव पाए गए हैं। हमें 1,671 बिस्तरों की आवश्यकता और हमारे पास अब 1,05,000 बेड। वहीं लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि 9 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार अगर हमें 1,100 बिस्तरों की आवश्यकता थी तो हमारे पास 85,000 बिस्तरों की क्षमता थी। आज जब हमें 1,671 बिस्तरों की आवश्यकता है तो हमारे पास समर्पित COVID-19 अस्पतालों में 1,05,000 बेड हैं। एम्स, निमहंस सहित 14 संस्थान मेडिकल कॉलेजों की कोरोना जांच में सहायता करेंगे। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि अगर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में सरकार और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में COVID-19 परीक्षण की क्षमता का विस्तार करने के लिए तत्काल आधार पर काम जारी है। लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस परीक्षण क्षमता का विस्तार करने के लिए एम्स, निमहंस सहित 14 संस्थानों को मेडिकल कॉलेजों के संरक्षक के तौर पर तैयार किया गया है। ये मेडिकल कॉलेजों को कोरोना जाँच में सहयोग करेंगे।